नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। उमरिया आदिम जाति कल्याण मंत्री ने किया क्षेत्र का निरीक्षण, स्थानीय लोगों ने किया जगह जगह स्वागत। उमरिया लोकप्रिय नेता मीना सिंह मध्य प्रदेश सरकार में आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री बनने के बाद उनके प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं व आम जनता के द्वारा हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। मीना सिंह ने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द क्रियान्वयन करने का आश्वासन भी दिया है। मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने 15 माह तक रही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को विफल बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा जिन जनहित योजनाओं को आदिवासियों के लिए लागू किया गया था उन्हें बंद कर दिया गया था। अब भाजपा सरकार आने के साथ ही उन सभी योजनाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा भी क्षेत्र और प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। उमरिया नीरज यादव की ये रिपोर्ट। तो अभी कल ही हमारी बैठक थी कलेक्ट्रेट में उमरिया में, तो हमने ये बात को रखी है कि जो भी हमारे जो जैसे वन अधिकार की जो प्रकरण है लोगों के उसको त्वरित निराकरण करके और जो भी हमारे पात्र लोग हैं उनको अधिकार पत्र दिया जाए। ये कल ही चर्चा मैंने की है, तो अपन शीघ्र उनका अधिकार पत्र मिले ऐसी व्यवस्था के लिए हमने बात कर ली है। और बाकी अभी मुझे कितना 1.5 माह हो रहा है मंत्री बने, आप सब जानते हैं, और 1.5 महीने में जो भी विभाग की जो योजनाएं हैं वो हम सब कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो कोई एक भी योजना नहीं बनाई थी, और पुरानी भी योजना जो थी उनको भी बंद कर दिए थे, पर हम सारी योजना चालू कर दिए हैं। और अगर हमारे ट्राइबलों के विकास के लिए और हमारे बच्चों के विकास के लिए अगर कोई नई योजना बनाने की भी अगर बात होगी तो हम बनाएंगे बच्चों के।